खिदमत फाउंडेशन कमेटी ने मनाया शहीद अशफाक उल्ला खां का 118वां जन्मदिवस। शहर के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों को कमेटी ने किया सम्मानित। मुख्य अतिथि शाहिद मंजूर ने दिया कौमी एकता का संदेश, बोले तरक्की और तालीम के मुद्दों से जनता को भटका रहे हुक्मरान। खिदमत फाउंडेशन जो मेरठ में आवाम की खिदमत का काम करने का अंजाम देती है, उसके जेरे अहतमाम मुल्क की आज़ादी के अजीम रहनुमाओं का जन्मदिन मनाने के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनाफिक हुआ। खासतौर से शहीद अशफाकुल्ला खां और उनके साथ राम प्रसाद कश्मीर के आज जो जन्मदिन उनका है, लेकिन याद दोनों को करने के लिए आज का प्रोग्राम। मौजूदा जो हालात है उनको पुरानी परिस्थितियों से टैली किया जाए तो कैसा आपको क्या मतलब? मैंने अभी कहा भी था, अपनी मैं बोल रहा था उसमें भी मैंने कहा, मैं अभी भी कहा हूँ कि अगर लोग अपनी तारीख को भूल जाएंगे तो आवाम उनको भूल गए। नाम किस तरीके से शहीदों को भूले जा रहे हैं और शहीदों को भी जाति और बिरादरी में बांटा जा रहा है, आज का ये जो प्रोग्राम है वो उसको तोड़ने में और जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कायम करने में अपना अहम भूमिका निभा रहा है। मेरठ के पांच चैम्बर में खिदमत फाउंडेशन कमेटी ने समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम शहीद अशफाक उल्ला खां के जन्मदिन पर उन्हें याद करने के लिए आयोजित किया गया था। अध्यक्षता नायब शहर काजी जैनुल राशिदीन व संचालन अयाज अहमद एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर के अलावा संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता, कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष वीना वाधवा, डॉक्टर असलम जमशेदपुरी, अब्दुल जब्बार एडवोकेट, कर्नल डीएम मुल्तानी, सुरेंद्र शर्मा, अमित अग्रवाल, बुसरा कमाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए।